अभी सारी सृष्टि की मैयत सामने खड़ी है। द डेथ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज स्टैंडिंग अहेड। जैसे गीता में भगवान ने कहा था, ये अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। जस्ट लाइक गॉड सेड इन द गीता, ओ अर्जुन ऑल दीज वंस आर ऑलरेडी डेड। ये सब मेरी दाढ़ों के अंदर चबाए जाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू च्यू देम बिटवीन माई जॉस। दाढ़ है एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स जो सागर के अंदर भी तैर रहे हैं और आसमान में भी तैर रहे हैं, ये मेरी दाढ़ है। जॉस रिफर टू द एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, मिसाइल्स विच आर फ्लोटिंग अंडर द ओशन एंड आर ऑल्सो फ्लाइंग इन द स्काई, दे आर माई जॉस। ये एटम बम्ब जो बने हुए हैं वो तो फटेंगे। द एटम बॉम्ब्स दैट हैव बीन मेड विल नो डाउट एक्सप्लोड। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो एटम बम हमारे घर की सजावट करते रहे। इट इज इम्पॉसिबल दैट दे कीप डेकोरेटिंग अवर हाउसेस। बने तो फटाफट फटेंगे। व्हेन दे हैव बीन मेड दे विल एक्सप्लोड क्विकली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहली वर्ल्ड वॉर में, 14 में जो हुई। स्टूडेंट, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसमें दो बॉम्ब फटे ना, वो किसकी संकल्प से हुआ? वो किसकी संकल्प से हुआ? बाबा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच टुक प्लेस इन 1914, यस। स्टूडेंट, टू बॉम्ब्स वर एक्सप्लोडेड इन इट। Because of whose will did it happen? किसके संकल्प से हुआ? बाबा, because of whose will did it happen? वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो कोई रूहानी संगठन थोड़ा ही था उस समय। During the first world war, there wasn't a spiritual gathering at that time. नहीं था। समय तो सब देह अभिमानी थे। Everyone was body conscious at that time. और देह अभिमानियों में भी दो ग्रुप तो थे। इवन अमंग देम देयर वर सर्टेनली टू ग्रुप्स। लड़ने वाले दो थे ना। देयर वर टू पार्टीज दैट फॉट, वरंट देयर? तो उनमें एक जरूर ज्यादा क्रोधी था। वन ऑफ देम वाज डेफिनेटली वेरी रैथफुल। एक बनाने वाला और दूसरा फोड़ने वाला। द फर्स्ट ग्रुप वाज द वन व्हिच मेड बॉम्ब्स एंड द अदर ग्रुप वाज द वन व्हिच एक्सप्लोडेड देम। क्रोध आया, धड़ाके कर दिए। They lost their temper and exploded them. पर उनमें शक्ति नहीं होता है ना बम छोड़ने। है? वो इतना बड़ा बम थोड़े ही है। Student, but they don't have the power to explode bombs. It wasn't such a big bomb. जो दुनिया खलास हो जाए। That the world would be destroyed. वो तो बम्बियां थी 20 मेगावाट की। They were small bombs of 20 megawatts. अभी तो हजारों हजार मेगावाट के हैं। Now there are bombs of thousands of megawatts. अभी जिनसे डर बना रहेगा कि सारी दुनिया खलास हो जाएगी। When they explode, people will be gripped by fear that the entire world will be destroyed. उसमें हम भी खलास। उधर लंदन में बैठा हुआ है हिरोशिमा नागासाकी में फोड़वाएगा तो उसको ये डर थोड़ा ही है इसके फोड़ने से हम खत्म हो जाएंगे। We will also be destroyed in it. If a person sitting in London drops bombs in Hiroshima and Nagasaki, he won't fear, thinking, if a bomb is dropped there, I will die. हमारे ऊपर असर आ जाएगा। The impact will affect me. इतनी एटमिक एनर्जी तैयार हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध में तो छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां विस्फोट हुई थी, उस समय कितना हाहाकार हो गया था विश्व में। सो मच ऑफ एटमिक एनर्जी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्मॉल बॉम्ब्स ऑफ 20 मेगावाट्स वर एक्सप्लोडेड एंड देयर वर सच क्राइज ऑफ डिस्पेयर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस समय की घायल आज भी
हॉस्पिटल्स में पड़े पड़े हाय हाय कर रहे हैं। The victims of that time are still crying in despair, lying in hospitals. उनकी हाय हाय देखी नहीं जाती किसी से। No one is able to see their despair. जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 42 से 45 के बीच में। Just like the Second World War took place between 1942-45. ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। Similarly, in the world of Brahmins too, the Second World War took place. ब्राह्मणों की दुनिया का द्वितीय विश्व युद्ध। The Second World War of the Brahmin World. जिसमें प्रजापिता सहित सारे ही सूर्यवंशी Hiroshima के मारे गए थे। Wherein all the Suryavanshis of Hiroshima along with Prajapita died. वो हीरो की क्षमा थी। It was the Shama, that is brilliance of diamonds, hero. माला सारी ही टूट गई। The entire rosary broke. क्योंकि पहले ज्ञान नहीं था। It is because there wasn't knowledge in the beginning. अभी तो भरपूर ज्ञान है। As for now, there is abundant knowledge. टूटने का सवाल नहीं है। There is no question of it breaking. कच्चे पक्के होंगे तो टूट जाएंगे। If someone is weak, they will break away from the knowledge. ये dictatorship अच्छी बात है या खराब बात है? Is dictatorship good or bad? हिटलर और नेपोलियन ने कौन सा रास्ता अपनाया? Which method did Hitler and Napoleon adopt? है? डिक्टेटरशिप का रास्ता अपनाया। They adopted dictatorship. तो दुनिया को अच्छा लगा या खराब लगा? So, did the world like it or dislike it? है? जो उनके धर्म थे, धर्म के थे, उनको तो अच्छा लगा। Those who belong to their religion liked it. और औरों की तो मुसीबत आ गई। However, it put others in trouble. इस दोजख के आदमी खुद ही तो अपना विनाश करते हैं। The people of hell destroy themselves. एक दो को आप ही विनाश करते हैं। They themselves destroy each other. वो उनके ऊपर बॉम्ब फेंकेंगे। They will drop bombs on them. और वो उनके ऊपर फेंकेंगे। And they will drop bombs on them. तो देखो ये बॉम्ब्स भी कैसे बनाए हैं। So look, what kind of bombs they have made. बोलते हैं कि हम एक ही बॉम्ब से सारी अमेरिका खत्म कर सकते हैं। They say we can wipe off the whole of America with just one bomb. और वो कहते हैं हम एक ही बॉम्ब से रशिया को खत्म कर सकते हैं। And they say we can wipe Russia out with just one bomb. तो ये जो दोजख के आदमी हैं। So they are the people of hell. ये devils ठहरे ना। They are devils, aren't they? आगे जब लड़ाई लगी थी। When the war broke out earlier. तो लोग हिटलर को devil कहते थे। People used to call Hitler devil. एक दो को ऐसे कहते थे ना। They used to say that to one another, didn't they? वो उनको डेविल कहते थे, वो उनको डेविल कहते थे। These ones used to call those ones devils, and those ones used to call these ones devils. डेविल अर्थात राक्षस। Devil means demon. तो ये बॉम्ब्स सब के लिए है ना? So these bombs are for everyone, aren't they? फोर्थ वर्ल्ड वॉर 1936 का अंत में होगा ऐसा तो बताया गया है। फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो हाँ। लास्ट में होगा जिसमें एटॉमिक विस्फोट होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्टूडेंट इट हैज बीन सेड दैट द फोर्थ वर्ल्ड वॉर विल टेक प्लेस इन 36 इन द एंड।
there will be atomic explosions in them. Baba, yes, yes. बाबा थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा कुछ पता नहीं चला। महाभारी महाभारत गृह युद्ध। स्टूडेंट बाबा वी डिडंट कम टू नो मच अबाउट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। बाबा द मैसिव सिविल वॉर ऑफ महाभारत। कौन सा देश है? स्टूडेंट व्हेन विल इट टेक प्लेस बाबा? बाबा व्हिच कंट्री इज इट? यहाँ। अरे पूरी बात तो सुन लो। स्टूडेंट इंडिया। अरे लिसन टू इट कम्प्लीटली। दुनिया में ऐसा एक ही देश है जहाँ छोटे से देश में अनेक भाषाएं हैं। देयर इज ओनली वन सच कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर देयर आर न्यूमरस लैंग्वेजेस इन अ स्मॉल कंट्री। और उन अनेक भाषाओं को लेकर के आपस में खूब मुड़ फुटटोल है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज बेस्ड ऑन देम। उत्तर भारत के लोग हिंदी ही हिंदी चिल्लाते हैं। The people of North India just shout Hindi, Hindi. और दक्षिण भारत में तमिलनाडु हिंदी का बायकॉट कर दिया। Whereas in South India, the people of Tamil Nadu boycotted Hindi. Primary school में भी हिंदी नहीं। It isn't taught even in the primary schools. इतना विरोधाभास। There is so much of controversy. जितने भी स्टेट हैं दूसरी दूसरी भाषाओं के, वो अपनी भाषा को प्रादेशिक भाषा को आगे रखते हैं। ऑल द स्टेट्स ऑफ द अदर लैंग्वेजेस गिव प्रेफरेंस टू देयर लैंग्वेज देयर वर्नेक्युलर लैंग्वेज। और हिंदी भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है उसको पीछे कर देते हैं। एंड हिंदी विच इज द नेशनल लैंग्वेज दे कीप इट बिहाइंड। तो झगड़ा है या नहीं है? So, are there conflicts or not? Student, yes. बड़ा झगड़ा है या छोटा झगड़ा? Are there big conflicts or small conflicts? Students, big conflicts. ऐसा कोई देश और दूसरा है दुनिया में जहां भाषाओं को लेकर के इतना झगड़ा हो? Is there any other country in the world where there are as many controversies on account of language? छोटे से भारत देश में जितनी जातियां हैं मनुष्यों की, इतनी जातियां दुनिया के किसी भी देश में नहीं। The extent to which there are different castes in the small country of India, there aren't as many castes in any other country of the world. उस जातिवादी को लेकर जितना भारत में झगड़ा है उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं। देयर aren't controversies in any other country of the world on account of castes to the extent there are in India. बाबा। अरे फिर बाबा के पड़े। स्टूडेंट बाबा। अरे यू स्टार्टेड ब्लैबरिंग अगेन। चलो शॉर्ट कर देते। ऐसे बहुत से कारण हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां भारत में हैं और वो पार्टियां आपस में झगड़ रही हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां दुनिया के किसी देश में नहीं है। ऑल राइट आई विल टेल यू इन ब्रीफ। देर आर मेनी ऑफ सच रीजंस। द एक्सटेंट टू विच देर आर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड द एक्सटेंट टू विच देर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, there aren't political parties in any other country to that extent. jitna rajyavad aur rajyon ko khand khand karke alag alag bhagon mein baantne ka jhagda bharat mein hai, itna duniya ke kisi bhi desh mein nahi. The extent to which there is statism and fights on dividing the state into different parts in India, it doesn't prevail in any other country of the world to that extent. ढेर की ढेर ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर के भारत के अंदर आग फैली हुई है। There are numerous controversies like them because of which fire is kindling in India. और वो आग कब भड़क उठे ये किसी को पता नहीं है। एंड नो वन नोस व्हेन दैट फायर मे फ्लेयर अप। अभी भी ऑन द प्रोसेस चल रहा।
हाँ जी स्टूडेंट बाबा इट इज गोइंग ऑन इन आंध्र प्रदेश इवन नाउ यस अरे रुको तो अनदर स्टूडेंट बाबा अरे वेट प्रश्न क्या था व्हाट वाज द क्वेश्चन थर्ड वर्ल्ड वार कब होगी स्टूडेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर बाबा व्हेन विल द थर्ड वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस तो भारत के अंदर जो आग भड़क रही है द फायर विच इज किंडलिंग इन इंडिया पूंजीवादियों के प्रति रोष द रेज अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट्स क्या व्हाट पूंजीवादी माने धृतराष्ट्र धृत माना हरण कर लिया है कैपिटलिस्ट रिफर टू धृतराष्ट्र धृत मीन्स दे हैव सीज्ड राष्ट्र माने धन संपत्ति एंड राष्ट्र मीन्स वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इस भारत की सारी धन संपत्ति गरीब लोग हरण करके बैठे हैं या धृतराष्ट्र हरण करके बैठे हैं कौन धर बैठे हैं Have the poor seized the entire wealth and property of this Bharat or have the Dhritarashtra seized it? Who have seized it? Dhritarashtra. Dhritarashtra. Aur wo Dhritarashtra us dhan sampatti ke aadhar par bade bade netaon ko apni mutthi mein kiye hue hain. Based on that wealth and property, they have controlled the big ministers. Wo Dhritarashtra unko dhan denge. वोटिंग की लड़ाई लड़ने के लिए तो वो जीतेंगे इफ दे गिव देम मीनिंग द मिनिस्टर्स वेल्थ टू स्टैंड इन द इलेक्शन इट इज देन दैट दे विल विन द इलेक्शन धन नहीं मिलेगा तो नहीं जीतेंगे इफ दे डोंट गेट वेल्थ दे वोंट विन इट इसे क्या साबित हुआ व्हाट डज इट प्रूव है क्या साबित हुआ What does it prove? ये गरीबी का पांडव गरीब थे या साहूकार थे This poverty, were the Pandavas poor or were they rich? गरीब थे They were poor. और बाप गरीब निवास है And the father is गरीब निवास meaning the patron of the poor. गरीब निवास बेहद का बाप गरीबों को अपना बच्चा बनाता है Does the unlimited Garib Nivas father make the poor his children? या धृतराष्ट्रों को अपना बच्चा बनाता है Or does he make the Dhritarashtra his children? Students, the poor. तो ये भी लड़ाई का बड़ा कारण है So, this is also a big reason for the fight. तो बताओ कौन सा युद्ध पहले होगा Tell me, which war will take place first? थर्ड वर्ल्ड वॉर पहले होगी द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल टेक प्लेस फर्स्ट और बाबा तो कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है इन फैक्ट बाबा सेज द मैसिव महाभारत वॉर इज स्टैंडिंग अहेड द हेस्टैक दैट इज द वर्ल्ड विल सर्टनली बी सेट ऑन फायर डिस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस इन नो टाइम इट इज कॉल्ड द प्ले ऑफ अननेसेसरी ब्लडशेड Everyone will die unnecessarily. Rivers of blood will flow. Then, rivers of milk will flow. From cries of despair, there will be the sounds of victory. All the others will be destroyed just while sleeping in the darkness of ignorance. Murli dated 10th February 1969, page 3, beginning. The task of the transformation of such widespread nature and the destruction of so many souls with the Moguni sanskars will anyhow take place. But the vibrations of those souls who died a sudden death, untimely death, or collective death will be so tamoguni. To change them, to keep yourself safe from the atmosphere and vibrations of such unnecessary bloodshed, and to help them. Are you making yourselves ready for such a great task? Or,
Is it just that someone came, you explained to him and he had food? Your time isn't getting spent only in this, is it? Avyakt Vani dated 18th January 1986. ये लंबे समय का युद्ध है. It is a long war. खून की नदियां बहेंगी. Rivers of blood will flow. विकराल विराम विनाश सामने खड़ा हुआ है. A fearsome destruction is standing ahead. कि चौथा विश्व युद्ध होगा वो तो थोड़े टाइम का होगा. As for the fourth world war, it will last for a short time. तो कितने साल गुजर गए अभी? So how many years have passed now? 70-71 साल हो गए. 70-71 years have passed. अभी बहुत थोड़ा समय बचा है. Very little time is left now. विनाश सामने खड़ा हुआ है. Destruction is standing ahead. काल के गाल में खड़े हुए हैं सब. All are standing in the jaws of death. Those with a weak heart certainly can't see the destruction. It isn't an easy task. You need a very powerful stage for it. The destruction is going to be very severe. You will keep seeing in front of you how rivers of blood flow. This death is worse than the one in Pakistan. Unnecessary bloodshed. They won't even be able to see it. Those who leave their body, they will go and become small children. Children needn't panic at all. So, there is little time left now. A lot of time has passed. How much? 8 years are left out of 5,000 years. Then later, you will say, there are 7 years left. Time keeps running out. Murli dated 5th August 1968, page 2, end. The play of unnecessary bloodshed is preordained. So, you won't even be able to see it. Those with a weak stage will just die out of fear. The war of the Yavans is very terrible. Rivers of blood have to flow. Not outside, that is, abroad. People will explode bombs there. They will die as soon as they inhale it. There is death of unnecessary bloodshed here. The war of the Kauravs and the Yavans takes place here. Bombs won't be exploded here. Here, Bharat has to suffer a lot of sorrow. Then, it will go to the world of immense happiness. You will receive immense happiness from immense sorrow. This eternal play is preordained. Murli dated 20th October 1968, page 3, middle. अंदर अंदर आग सुलग रही है. चल तो रहा है इसमें आप नहीं चल रहा है. बाबा, now fire is kindling within. Student, the war is certainly going on. बाबा, the war isn't going on now. युद्ध चलेगा तो आपाधापी मच जाएगी. If it starts, there will be chaos. इसमें फ्रॉड रूप भगवान को क्यों दिखाना पड़ा है? Student, why did God have to show the cosmic form, Virat Roop? Virat Roop भगवान को इसलिए दिखाना पड़ता है कि मेरे बच्चे अलर्ट हो जाएं. बाबा, God has to show the cosmic form as he thinks my children should become alert. सबको दिखाता है Virat Roop. Does he show the cosmic form to everybody? और जो नास्तिक है वो विराट रूप को समझेंगे क्या? Moreover, will the atheists understand the cosmic form? दुर्योधन समझेगा क्या? Will Duryodhan understand it? वो तो नहीं समझेगा. He certainly won't understand it. दुशासन नहीं समझेगा. दुशासन won't understand it. समझेंगे कौन? Who will understand it? स्नेही आत्माएं होंगी उन्हीं के पल्ले पड़ेगा विराट. Only the loving souls will understand the cosmic form. विराट रूप क्या है?
What is the cosmic form? पहले साधारण रूप और बाद में विकराल रूप. First, it is an ordinary form and then he takes on a ferocious form. First world war है भारत से connected. उसका नाम है महाभारी महाभारत गृह युद्ध. The forthcoming First World War is connected to Bharat. Its name is the massive civil war of Mahabharat. वो है पहला युद्ध, विश्व युद्ध. That is the First World War. उसमें सब देश इंटरेस्टेड हो जाते हैं. All the countries take an interest in it. सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है. All are involved in it to some extent. भले पूरे रूप से नहीं कूदते हैं लेकिन सब देश सारे विश्व के उस महाभारी महाभारत गृह युद्ध में हिस्सा लेते हैं. Though they don't get involved completely, all the countries of the world take part in that massive civil war of Mahabharat. वो है तृतीय विश्व युद्ध. That is the third world war. और उसके बाद लास्ट है, उसमें सारी दुनिया का विनाश नहीं होता. And after that, there is the last. The entire world isn't destroyed in it. भारत का विनाश होता है, पाकिस्तान तो टोटली खत्म हो जाता है, लेकिन भारत भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता. There is destruction in Bharat. Pakistan is totally destroyed, but Bharat isn't destroyed completely. थोड़ा बहुत बचता जरूर है. It certainly exists to some extent. और सारी दुनिया उसका टोटल विनाश जिस युद्ध में होता है. And the war in which the entire world is totally destroyed. वो है 5-7 रोज का विश्व युद्ध. That is the world war of 5-7 days. जबकि धड़ाधड़ एटम बम फटते रहेंगे. The atom bombs will keep exploding continuously in it. आज ये राजधानी नष्ट हुई, आज ये देश नष्ट हुआ. Today this capital is destroyed, today this country is destroyed. कल दूसरे देश में फट पड़ा, वो देश नष्ट हो गया. There was an explosion in another country tomorrow, it was destroyed. सैकड़ों की तादाद में देश और राजधानियां हैं. There are hundreds of countries and its capitals. वो एक एक करके सब धराशायी होने लगेंगी. All of them will be wiped out one by one. लास्ट में जो बड़े बड़े हैं महा महामहिम कहे जाने वाले. Ultimately, the powerful countries that are called the superpowers. वो भी आपस में एक दूसरे को खलास कर देंगे. They will also destroy each other. जैसे रशिया और अमेरिका. Just like there are Russia and America. बड़े बड़े महान राष्ट्र हैं. They are powerful nations. वो एक दूसरे का ध्वंस कर देंगे 7 रोज के अंदर ही. They will destroy each other within 7 days. जब ऐसे बम फटाके पड़ेंगे बेहद की दीपावली में. When the bombs are exploded this way in the unlimited Deepavali, 500-700 करोड़ दीपक जग पड़ेंगे. 5-7 billion lamps will be lit. सारी दुनिया में दीपावली हो जाएगी बेहद की. There will be unlimited Deepavali in the entire world. लेकिन उससे पहले बच्चे क्या करते हैं? However, what do the children do before that? पटाखे फोड़ते रहते हैं 2-4 दिन पहले. They keep bursting crackers 2-4 days before. फोड़ते रहते हैं और लास्ट में सारे इकट्ठे एकदम फोड़ देते. They keep on bursting them and ultimately they burst them all together. तो जब इतना भीषण युद्ध होगा, भीषण बम बाण में अंत होगा, तो ये पृथ्वी डोल जाएगी. So when there is such a fearsome war, when there is such heavy bombardment, this earth will quake. बड़े बड़े भूकंप आएंगे. Very big earthquakes will occur. और उन बड़े बड़े भूकंपों में इतना हाल डोल होगा सारी दुनिया में. And in those very big earthquakes, the balance of the entire world will be so disturbed. कि चंद्रमा भी आकर्षित हो जाएगा. The moon will also get pulled. वो तो बच्चा बुद्धि है.
जब ऐसा घनघोर होता है तो बच्चा किस तरफ भागता है? It has a childlike intellect. When something fearsome happens, whom does the child run to? माँ की तरफ भागता है। He runs to the mother. चंद्रमा जब प्रशांत महासागर में आकर के गिरेगा तो सारी दुनिया का पानी का स्तर ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा हो जाने पर ये अमेरिका जो 500 साल पहले इसका मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नाम निशान नहीं था। When the moon falls into the Pacific Ocean, the sea level of the world will rise. When it rises, there wasn't the name or trace of this America in the intellect of the human beings 500 years ago. ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी नाम निशान नहीं था। Similarly, there wasn't the name or trace of Australia either. ये जो भी बड़े-बड़े महाद्वीप हैं भारत को छोड़कर के। All these very big continents except Bharat. हिसाब समंदर के तारा अंतराल में समाये हुए थे। Were submerged in the depths of the ocean. जैसे पहले समाये हुए थे ऐसे ही समा जाएंगे। They will get submerged like they were earlier. क्योंकि समंदर का स्तर बढ़ जाएगा। It is because the sea level will rise. दूसरी ओर एटम बमों के धमाके से और सूर्य के तीव्र ताप से जो ओजोन फट रहा है उस समय पूरी तरह फट पड़ेगा। On the other hand, the ozone layer which is depleting will get completely depleted at that time because of atomic explosions and extreme heat of the sun. भीषण गर्मी हो जाएगी। There will be scorching heat. एटम बमों की गर्मी, ओजोन की गर्मी। There will be the heat of atom bombs and the heat due to the depletion of the ozone layer. इस समंदर के जल को क्या कर देगी? What will it do to the water of the ocean? हैं? समंदर का जल खौलने लगेगा। The water of the ocean will start boiling. Boiled water बन जाएगा। It will turn into boiled water. तो सारी पृथ्वी पर वाष्प ही वाष्प, वाष्प ही वाष्प, मीलों ऊंची वाष्प। There will be vapor and only vapor, vapor and only vapor in the entire world. There will be miles high vapor. फिर बरसात होगी कि नहीं मूसलाधार? Then will there be torrential rain or not? लगातार कई दिन तक मूसलाधार बरसात, रुकने का नाम नहीं। There will be torrential rain continuously for many days. It just won't stop. तो एक तो समंदर का स्तर बढ़ जाना। Firstly, the sea level will rise. समंदर का स्तर तो समंदर में ही बढ़ेगा। The sea level will rise within the ocean itself. लेकिन जहाँ समंदर नहीं पहुँचेगा, वहाँ भी क्या हो जाएगा? However, what will happen even there where the ocean doesn't reach? वहाँ भी जोर से बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? Will there be severe floods there as well or not? नदियों में जोर से बाढ़ आएगी। There will be severe floods in all the rivers. चारों ओर पानी ही पानी। There will be water and only water everywhere. उस समय की भावना में भावित होकर के जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। Being full of the emotion of the feeling of that time, Jayashankar Prasad writes, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, At the topmost peak of the Himalayas, बैठ शिला की शीतल छां, Sat a man under the cool shade of a rock. एक पुरुष भीखे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह. With eyes brimming with tears, he was watching the great flood. पुणे में तो सब हिंदी जानते हैं, जान ही गए होंगे। Everyone certainly knows Hindi in Pune. They must have learnt it. क्या भावना आई? What feeling did he have? कहाँ भावना पहुंच गई? Where did this feeling reach? 5000 साल पहले की भावना आ गई बुद्धि में। The feeling of the time 5000 years ago came in his intellect. जब सारी सृष्टि पर एटम बम फट पड़े थे, चारों ओर पानी पानी हो गया। When there were atomic explosions in the entire world,
There was water and just water everywhere. ऊंचे स्थानों पर भी नदियों की बाढ़ आ गई. There were the floods of rivers in the high lands too. एक ही पुरुष बचा. Just one man survived. जान बचाते बचाते पहाड़ों के उत्तंग ऊंची चोटी पर जाकर के बैठ गया. Making a narrow escape, he sat at the Uttang, that is a mountain top. कोई शिला की छांव में जाकर. Under the shade of a rock. चारों ओर क्या दिखाई पड़ रहा था. What was he able to see everywhere? पानी ही पानी. There was water and only water. भीगे नैन क्यों थे. Why were his eyes brimming with tears? अरे खुश होना चाहिए, मैं अकेला बचा हूँ. वाह वाह वाह. अरे he should certainly be happy. I alone have survived. वाह वाह वाह. ये सारे दुश्मन खत्म हो गए जो मेरा विरोध करने वाले थे. All these enemies who opposed me have died. परिवार चाहिए. खुश क्यों नहीं हुआ. Why didn't he become happy? क्योंकि उसके जो परिवारिक के जन थे, जो थोड़ा बहुत सहयोग देने वाले थे, वो भी उस विनाश में खलास हो गए. It is because his family members who supported him to some extent, they also died in the destruction. और ये है चतुर्थ विश्व युद्ध. That is the fourth world war. Now, you see how they have the destruction done with these missiles, how they imbue it with fire, gas, poison, etc. The father explains, people should die an instant death in the end. Children shouldn't become sorrowful. Murli dated 13th January 1974, page 3, beginning. ये ट्रायल जब कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरफ में की थी ना, तब तो हॉस्पिटलें थीं. This trial was made at the sites of Hiroshima and Nagasaki, wasn't it? कहाँ कहाँ? Hiroshima. There were certainly hospitals then. Where? Hiroshima. हीरों की जहाँ शमा तैयार हुई पड़ी थी. The place where the brilliance of diamonds was ready. क्या? What? हीरों की शमा, श्रेष्ठ आत्माओं की या भ्रष्ट आत्माओं की? The brilliance of diamonds. Was it the brilliance of the elevated souls or the corrupt souls? हीरों, हीरे जैसी आत्माएं, हद में भी और बेहद में भी. Diamonds, the diamond-like souls in the limited as well as unlimited. नागासाकी. नागासाकी. जो नाग होते हैं. The nag, meaning cobra. नाग जानते किसे कहते हैं? Do you know what is called a cobra? हाँ, काम बेकार अगर देखना हो तो नागों में देखो. Student replies, yes, if you want to see the vice of lust, see it in the cobras. तो नाग और साकी. So, nag and saki. वो गीत गाते हैं ना? They sing the song, don't they? मुझे मस्त साखी पिला दे मुझे मस्त. अरे भाई कौन सी साखी तुम्हें याद आ रही है? अरे ब्रदर विच बिलवड आर यू रिमेम्बरिंग. हाँ स्टूडेंट कमेंट्स यस. तो वो नागासाकी की तरफ में पहले बहुत अस्पतालें थी. So earlier there were many hospitals towards Nagasaki. और जो लास्ट विनाश होगा ना चतुर्थ विश्व युद्ध, तीसरा भी नहीं चतुर्थ विश्व युद्ध. And in the last destruction, the fourth world war which will take place, not even the third one, in the fourth world war. उसमें तो ये बम ऐसे ऐसे फटते रहेंगे धीरे धीरे कि चतुर्थ विश्व युद्ध आखिरी विश्व युद्ध होने तक तो ये हॉस्पिटल है सर. ना डॉक्टर रहेंगे, ना हॉस्पिटल रहेंगी, है ना दवाइयां रहेंगी. These bombs will keep exploding slowly in such a way that by the end of the fourth world war, the last world war, all these hospitals will be destroyed.
आई विल नीदर बी डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स नॉर मेडिसिन रहेंगी विल दे बी देयर नो ये थेरापी दुनिया भर की निकल रही थेरापी निकल रही है ना वो साहब खलास सो मेनी थेरेपीज आर कमिंग अप फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड न्यूमरस थेरेपीज आर कमिंग अप aren't they ऑल ऑफ देम विल स्टॉप हाँ किसी का हाथ टूटा अभी क्या करते हैं यस समवन्स हैंड विल ब्रेक व्हाट डू दे डू नाउ कोई का हाथ भी टूट जाए तो अस्पताल में जाओ इवन इफ समवन्स हैंड ब्रेक्स व्हाट डू दे डू दे गो टू अ हॉस्पिटल अभी तो अस्पताल हैं तो रहेंगी ही नहीं वेल देयर वोंट बी हॉस्पिटल्स एट ऑल ऐसी दुनिया आने वाली है सच अ वर्ल्ड इज अबाउट टू कम सभी खत्म होने का है ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड क्या ऐसे ना समझे कि भाई हाथ टूट गया बांह टूट गई सहयोगी रूपी बांह टूट गई तो चलो हॉस्पिटल में बट डोंट थिंक ब्रदर इफ योर हैंड ब्रेक्स इफ योर आर्म लाइक हेल्पर ब्रेक्स यू मे गो टू अ हॉस्पिटल थोड़ी दवा दारू हो जाएगी है और वो मिल जाएगा सफा नहीं You will get some medicines and you will get treatment. No. इसलिए जो कुछ भी बनाते हैं है जो बॉम्ब बनाते हैं या वो क्या बनाते हैं This is why whatever they make bombs or whatsoever they make. यहाँ बैठे बैठे छोड़ते हैं और जिस देश पे छोड़ना चाहेंगे एग्जैक्ट उसी देश के ऊपर जाके गिरेगा They launch it while sitting here and it will fall exactly in the very country where they want to drop it. Na piche, na aage. It won't fall here or there. This world itself is of beating and killing. There is beating and killing everywhere. Now, the atom bombs are left. They are also kept ready. Everyone understands. This isn't something to be stalked. Destruction certainly has to take place through them. How will the golden age arrive if there isn't destruction? Well, this is absolutely clear. Murli dated 23rd February 1968, page 3, middle. बाबा हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसके विकिरण का प्रभाव अभी भी है तो जो अगला विश्व युद्ध होगा उसमें इसके विकिरण का प्रभाव कब तक कैसे खत्म होगा स्टूडेंट बाबा The effect of radiations due to the dropping of bombs on Hiroshima and Nagasaki exists even today. So, after how long will the effect of radiation end when the next world war takes place? There will be such torrential rainfall that the effect of the radiation will subside. तो वो प्रकृति भी इतना विकराल रूप धारण करती है कि वो माउंट आबू का पहाड़ जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है वो सारा ध्वस्त हो जाता है सो दैट नेचर आल्सो टेक्स ऑन सच अ फियरसम फॉर्म दैट माउंट आबू व्हिच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल ग्रेनाइट रॉक विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड तो बताओ दुनिया में मनुष्य आत्माओं की सबसे जास्ती सेफ्टी सबसे लंबे समय तक कहाँ होगी सो टेल मी विच प्लेस इन द वर्ल्ड विल बी द सेफेस्ट फॉर द ह्यूमन सोल्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम माउंट आबू पर हो माउंट आबू किसी में ताकत नहीं है नो वन हैज द पावर वैज्ञानिकों में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि अपनी ही बनाई हुई रचना एटम बमों को विस्फोट कर सकें The scientists don't have so much confidence that they explode their very creation, that is, the atom bombs. क्योंकि जानते हैं हम विस्फोट करेंगे तो दूसरे राष्ट्र भी विस्फोट करेंगे. It is because they know, if we explode them, other nations will also explode them. और विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और. And the world war will break out. और विश्व युद्ध आने पर जब सभी एटमिक एनर्जी से विश्व युद्ध में कूद पड़ेंगे तो ये सारी दुनिया भस्म होने वाली When the world war breaks out and everyone jumps into the world war with the atomic energy,
दिस एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू एशेस। तो हम भी बस हो जाए। कॉन्सिक्वेंटली वी विल ऑल्सो बी रिड्यूस टू एशेस। तो आत्मविश्वास सा पड़े मगाए रहा है। सो एवरीवन्स कॉन्फिडेंस इज शेकिंग। तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी आत्मा चाहिए जिसके आत्मविश्वास को कोई बिगाड़ ना सके। सो सच अ सोल इज नीडेड ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड हुज कॉन्फिडेंस कांट बी शेकन बाय एनीवन। और वो भारतीय पुराणों में भारतीय परंपरा में गाया हुआ है। एंड ही इज प्रेस्ड इन द इंडियन पुराण्स इन द इंडियन ट्रेडिशन। एक ही मनुष्य मात्र है जो सृष्टि विनाश हो जाती है लेकिन उसका विनाश नहीं होता। There is only one human being who isn't destroyed even when the world is destroyed. वो महाकाल गाया हुआ है। He is called Mahakal, the great death. कौन? Who? कहाँ का महाकाल प्रसिद्ध है? The Mahakal of which place is famous? अरे? इस भारतवर्ष में एक शहर है जहां महाकाल का मंदिर है। इन दिस भारत देर इज अ सिटी वेयर देर इज द टेम्पल ऑफ महाकाल। कालों का काल है उसको कोई काल खा ही नहीं सकता। ही इज द डेथ ऑफ डेथ्स नो डेथ कैन एवर डिवोर हिम। महाकाल महाविनाश होता है तो भी वो जिंदा रहता है। ही इज महाकाल He stays alive even when there is the great destruction. जो गायन है शंकर का कोई माता पिता नहीं उसको कोई जन्म देने वाला नहीं। It is praised. Shankar doesn't have parents. There is no one who gives birth to him. उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। He never dies. महामृत्यु भले हो जाए लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। Although great death arrives, he doesn't die. तब हाहाकार चलते हैं ना बाबा है? जब अंतिम समय आती है तब हाहाकार चलते हैं ना बाबा। हाहाकार दुनिया में और खून की नदियाँ बहती है ना बाबा। स्टूडेंट व्हेन द एंड टाइम कम्स देयर आर क्राइज ऑफ डिस्पेयर इन द वर्ल्ड एंड रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो। खून की नदियाँ तो तृतीय विश्व युद्ध में पहले ही बहेंगी बाबा। Rivers of blood will flow first in the third world war. उसके बाद होगा चतुर्थ विश्व युद्ध। The fourth world war will take place after that. तब होगा अंतकाल। हाँ आखिरी प्रयाण काल। Then it will be the end time, the period of the last journey. तब बाबा की बच्चे की अवस्था कैसी होनी चाहिए बाबा? Student, how should the stage of Baba's children be at that time? एकदम आत्मा की स्थिति होनी चाहिए अंत में या देवान की स्थिति होनी चाहिए? तो बस। Baba, should there be complete soul conscious stage in the end or should there be a stage of body consciousness? Student, complete soul consciousness. So that's all. तो practice करनी चाहिए। प्रैक्टिकली होनी चाहिए। स्टूडेंट सो वी शुड प्रैक्टिस इट शुड बी प्रैक्टिकल। आत्मिक स्थिति होगी तो देह की परवाह नहीं रहेगी। इफ देयर इज द सोल कॉन्शियस स्टेज देयर वोंट बी एनी वरी अबाउट द बॉडी। देह भले बर्फ में दब जाए। द बॉडी मे बी बरीड इन आइस। आत्मा कहाँ उड़ी हुई होगी? Where will the soul be flying? मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंची स्टेज में चली जाएगी। The mind and intellect like soul will go to a high stage. आने वाली जो दुनिया है मारा मारी की। The forthcoming world of fight and killing. अभी भी टेंशन लगातार बढ़ते चले जा रही है। Tension is constantly rising even today. टेंशन अपने को अटेंशन रखने के लिए
परमात्मा बाप हमको ये आकर के तरीका बताते हैं। इन दैट एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन टू कीप अटेंशन ऑन आवरसेल्व्स द सुप्रीम सोल फादर कम्स एंड टेल्स अस दिस मेथड। आपकी स्थिति में स्थित होकर के रखो, बी स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, इससे अखंड शांति मिलेगी। थ्रू दिस यू विल अटेन कॉन्स्टेंट पीस, अखंड विश्वास पैदा होगा। यू विल डेवलप इनडिस्ट्रक्टिबल फेथ, विल पावर आएगी। यू विल अटेन विल पावर, स्थितियों परिस्थितियों समस्याओं से मुकाबला करने की ताकत आएगी। एंड द पावर टू फेस वेरियस सिचुएशंस सर्कमस्टेंसेस एंड प्रॉब्लम्स। इस एटॉमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। Through this atomic energy, the entire world will be destroyed. सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे। Everyone will have to leave their body. कौन बचेंगे? And who will survive? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। Those who have learned the technique of remembrance will survive. भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। They should be so much immersed in their intense remembrance of God the Father that they forget even the process of breathing. एटमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेगा। The atomic explosion will not affect them at all. जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। The odor which spreads will not affect them. बाकी जिन्होंने उस योग की राजयोग की प्रक्रिया को नहीं सीखा होगा। The rest of those who would not have learned the process of Rajyog, उनको तो जबरन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। Will be forced to leave their bodies. हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे। They will leave their bodies, weeping in grief. और अंत मते सो अनेक जन्मों के लिए गति बन जाएगी। According to their thoughts, in the end, they will have their destiny for many births. कोई अनेक जन्म दुख भोगते हैं। Some experience sorrow for many births. कोई अनेक जन्म सुख भोगते हैं। While some experience happiness for many births. जो अनेक जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने वाली आत्माएं हैं। The souls which experience a larger part of happiness for many births. वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं कही जाती है। Are called the souls of the ancient deity religion.